नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। आज हम बात करने जा रहे हैं मलेरिया क्या है और इसके क्या लक्षण होते हैं जो हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे ये निवेदन है कि कृपया करके इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मलेरिया एक पैरासाइट से होने वाली बीमारी होती है और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोअन पैरासाइट से होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम के चार स्पीसीज मुख्य रूप से होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, वाइबेक्स, ओबेल और मलेरी। एक और स्पीसीज होता है जो ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में हमें दिखाई देता है जिसको हम प्लाज्मोडियम नोलेसी कहते हैं। मलेरिया जो है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होता है जब एक संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर जो पहले से ही प्लाज्मोडियम से ग्रसित है वो जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है, ब्लड सक करती है और अपने स्पोरोजोइड को उनके शरीर में रिलीज करती है, तब इस बीमारी की शुरुआत होती है। मलेरिया जो है वो दुनिया भर में होने वाली एक बहुत ही खतरनाक पैरासिटिक इन्फेक्शन है और मलेरिया के कारण लगभग 40% जो दुनिया भर की पॉपुलेशन है वो इससे प्रभावित है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिपोर्ट की बात करें तो लगभग 350 से 500 मिलियन दुनिया भर में लोग जो हैं वो मलेरिया से प्रभावित होते हैं प्रतिवर्ष, और भारत में 2 मिलियन केस जो हैं वो प्रतिवर्ष हमें देखने को मिलते हैं। यानी 2 मिलियन लोग मलेरिया से ग्रसित होते हैं जिनमें से अनफॉर्चुनेटली 1000 ऐसे लोग होते हैं एवरेज जो प्रतिवर्ष मलेरिया के कारण जिनकी डेथ भी हो जाती है। तो इस आंकड़ों से आपको पता चल रहा है कि मलेरिया एक काफ़ी खतरनाक बीमारी भी है अगर उसका सही इलाज ना हो। मलेरिया के लक्षणों की बात करें तो मलेरिया का जो इनक्यूबेशन पीरियड है यानी जब कोई भी मच्छर जो संक्रमित है वो बाइट करती है और स्पोरोजोइट को शरीर में रिलीज करती है, तो रिलीज करने से लेकर के 9 से 14 दिनों के बाद इस बीमारी के लक्षण शरीर में दिखाई देने शुरू होते हैं, जिसमें कफ होता है, चिल्स होता है, फीवर होता है, हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है। ये कुछ कॉमन लक्षण दिखाई देते हैं। पहले शुरुआती कुछ लक्षणों की बात करें तो पेशेंट के शरीर में बुखार होता है, तेज़ बुखार होता है, सरदर्द होता है, ठंड लगती है, वॉमिटिंग होता है। लगभग 10 से 15 दिनों बाद यानी इन्फेक्शन के 10 से 15 दिनों बाद इन्फेक्शियस पार्टिकल के एंटर करने के बाद ये दिखाई देता है। एंड इफ़ नॉट ट्रीटेड, अगर इसका इलाज प्रॉपर तरीके से ना हो, मेडिसिन से ना हो, तो मलेरिया जो है वो काफ़ी जटिल हो जाता है और कई बार मलेरिया इतना जटिल भी हो सकता है कि उससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसीलिए हमें इन लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी ऐसे लक्षण हमारे शरीर में दिखाई दें तो हमें तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उनसे डिस्कस करना चाहिए इन लक्षणों और मलेरिया के बारे में। स्टेज 1 जो है मलेरिया का लक्षण 3 स्टेज में दिखाई देते हैं। स्टेज 1 जो है ये कोल्ड स्टेज है, यहाँ पे जो ठंड है वो 15 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो होस्ट सेल के RBC होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। यहाँ पे नौजिया यानी वॉमिटिंग की फीलिंग भी आती है, कई बार वॉमिटिंग भी होती है और सरदर्द होता है। स्टेज 2 हॉट स्टेज है, इस स्टेज में फीवर आता है, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस 104 फारेनहाइट तक बुखार हो जाता है। नए RBC जो हैं वो इस फेज में प्रभावित होते हैं और लगातार उनके अंदर जो आपके प्रोटोजोआ हैं वो एंटर कर रहे होते हैं, नए RBC को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए इस तरीके का फीवर जो है वो हमारे शरीर में देखने को मिलता है, 104 डिग्री फारेनहाइट तक का फीवर। तो ये 2 मुख्य स्टेज हैं, स्टेज 1 कोल्ड स्टेज है। स्टेज 3 जो है वो स्वेटिंग स्टेज है, इस स्टेज में बुखार के बाद जो पसीना है वो शरीर में होना शुरू हो जाता है और ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब बुखार ख़त्म होता है या ख़त्म होने वाला होता है, तब इस तरीके की स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है। यह ऐसा 48 से 72 घंटों बाद लगातार होता रहता है। इस मलेरिया की बीमारी में हर 48 से 72 घंटों बाद ये तीनों ही फेज होते रहते हैं, वोमिटिंग फील होगा, वोमिटिंग होगी, फीवर आएगा और फीवर के बाद स्वेटिंग फेज जो है शुरू हो जाता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो पायरेक्सिया फेज होता है उसके अंदर भी ऐसे बदलाव देखने को मिलते हैं। लक्षणों की बात करें तो मलेरिया के कारण बुखार, ठंडक, पसीना, सर में दर्द, नौजिया का मतलब होता है कि उल्टी होने से पहले की जो उल्टी होने की फीलिंग है उसको नौजिया कहा जाता है। तो नौजिया हो सकता है या वॉमिटिंग हो सकती है, बॉडी एजेस हो सकते हैं, शरीर में खिंचाव महसूस हो सकता है, हार्डनेस मौजूद हो सकता है, जनरल मलेज यानी शरीर में कुछ मरोड़ भी महसूस हो सकते हैं अलग अलग हिस्सों में। तो ये मलेरिया और उससे होने वाले कुछ कॉमन लक्षण हैं। कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाली वीडियो में हम ये बात करेंगे कि मलेरिया से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं या कैसे अपने आप को मलेरिया जैसी बीमारी से हम बचा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।